इस केजी के हिसाब से देखें तो ये 80-90 रुपए केजी बिकता है। अच्छा, और अपने मुनाफे के लिए इसको अपन बताओ ये कितने बीघे में लगा रखे हो आप? ये लगभग हमने लगाया है 2.5-3 बीघों में। अच्छा, तो ये कौन सी वैरायटी है भाई? ये गेंदा फूल है और ये हजारा का फूल है। अच्छा, ये दोनों में अंतर है? अंतर है। क्या अंतर है भाई? जैसे एक तो ये इसका फूल हो गया ना, और ये एक इसका फूल है, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है भाई? ये बताओ। ये है कि इसमें ये कलर का डिफरेंट है, मतलब ये वाला है, ये लाइट है, हाँ ये लाइट, और ये गहरा है, ये थोड़ा रेड कलर सा दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इन दोनों में जैसे मार्केट में डिमांड कौन से की ज्यादा होती है? मार्केट में जैसे डिमांड सीजन के हिसाब है, सीजन के हिसाब से है। अगर ये क्या है, जल्दी आ जाता है, तो इसी हिसाब से ये ज्यादा जल्दी बिक जाता है। अच्छा, और मार्केट में जैसे शादी का माहौल त्यौहार रहता है, तो ये जल्दी उस टाइम पे बिकता है, ये उस टाइम पे बिकता है। तो ऐसे बताओ, अभी आप कहाँ सेल कर रहे हो इनको? ये सेल हम अपना खुद का ही कर रहे हैं, मतलब अभी जैसे सामने दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो उस वजह से आप खुद ही कर रहे हैं सेल करोगे इनको? बढ़िया मुनाफा और बड़ा प्रॉफिट होता है इससे, मतलब अगर खुद सेल करोगे, खुद सेल करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट। तो वैसे ऐसे बताओ, मंडी का रेट क्या चल रहा है? मंडी का रेट है इस टाइम पे 50-60 रुपए। अच्छा, 50-60 रुपए केजी है? हाँ केजी। तो इनमें दोनों फूलों में दोनों का अलग अलग रहता है कि कौन से का ज्यादा है, कौन से का कम है? भाव तो सेम ही है लगभग। अच्छा अच्छा, और जैसे अपना खुद का करेंगे तो उसमें ज्यादा मुनाफा बैठेगा। तो यार इसमें एक पानी के बताओ, पानी का क्या रहता है इसमें? पानी का जैसे पहले हम जैसे जिसमें गेहूं में देते है ना, उसे 8 घंटा चलाएंगे जैसे 2 बीघा, तो इसमें सिर्फ 2 घंटा ही चलाएंगे। तो इसमें ऐसे बताओ, एक ओपन इरिगेशन बढ़िया रहता है या ये ड्रिप सिस्टम बढ़िया रहता है? ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अच्छा, तो जैसे आंटी जी वगैरह है, तो इसमें ऐसे थोड़ी है कि ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं। एक आदमी है, एक आदमी ये 2 बीघा कर सकता है। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल हमारी मम्मी है, तो मम्मी ने ही पूरा कराया। तो आंटी जी मजा आ रहा है आपको काम करके? नहीं, अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा लगता है आपको? ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता इसमें, ज्यादा मतलब मेहनत नहीं है इसमें। जैसे और सब्जी होती है गोभी टमाटर वगैरह, उससे बढ़िया है क्या? हाँ, उनसे अच्छा है, उनसे बढ़िया काम ही है। तो इसमें कितना क्या मुनाफा कमा लेते हो आप? अब देखो, ये तो बच्चे जाते हैं, इसका तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ये बच्चे करते हैं, मतलब आपको तो काम करके इसमें ठीक लगता है उनसे? हाँ, उस काम से मतलब अच्छा काम है ये। अच्छा, मतलब इसमें ज्यादा मतलब जैसे कचरा वचरा नहीं होता। अच्छा, या इसमें कुछ जैसे अभी मच्छर मक्खी ये ज्यादा नहीं होता। लगाने का क्या तरीका रहता है, मतलब इसकी जो आप नर्सरी तैयार करते हो शुरू में, वो इसमें जो बीज आता है वो अच्छा, थोड़ा महंगा पड़ता है। क्या क्या पड़ता है, कौन से का क्या बीज महंगा पड़ता है इसमें बताना भाई? जैसे इसमें ये वाला जो बीज है, अच्छा, ये लाइट कलर वाला है। आंटी जी आप भी आ गए, आएगा 2100 रुपए की पूड़ी लाई थी हमने। अच्छा, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाला 2200 रुपए की लिखा है। बता सकते हो क्या कि कौन सा क्या रहता है बीज का नाम? बीज का नाम तो वो मेरा छोटा भाई था, वो ही लेके आया था, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद में? इसके बाद में जैसे हमने लगाया, पौध तैयार करी, 20 दिन में पौध तैयार हो गई, उसके बाद लगाया इसमें ड्रिप लगा करके, ड्रिप लगा के करा आपने 15 दिन में, इस वाली में जो है इसमें 15 दिन में फूल आने दिखने, ये मतलब जो वेराइटी है इसमें 15 दिन में फूल आने, 15 दिन में ही फूल दिखने लग गए मुझे, छोटे पने में आ जाते। और इस वाली को जो लगाया इसमें 1 महीना लगा, लेकिन अच्छा है, ठीक है, फूल बढ़िया लग रहा है। तो आज इसका फर्स्ट तोड़ी तोड़े हो क्या आप? आज फर्स्ट ही है, हमने फर्स्ट ही तोड़ा। अच्छा, तो जैसे और किसान साथी है उनको भी मतलब फ्लोरिकल्चर जो होता है अपने ये करना चाहिए? हाँ, मैं तो यही उनको मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि फूलों का सबसे बेस्ट है, और अपना खुद का भी कर सकता है इसमें। अच्छा, जैसे माला बनाई और अपना दे सकता है। और आंटी जी जैसे और माताएं बहने जो खेती का काम करती है, तो उनको आप क्या बताना चाहती है कि ये फूल की बढ़िया है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो कोई भी माई बहन है जो उसके लिए इतनी मेहनत भी नहीं है इसमें। अच्छा, और इसमें इतना मतलब वो भी नहीं है भाई, परेशानी भी नहीं है, जैसे अभी हम 10 दिन बाद भी तोड़ सकते हैं, इस फूल को खराब नहीं। अच्छा, होता ये इसका मतलब एक वो है, मतलब रुक सकता है ये, खराब नहीं होगा? रुक सकता है, इसको अगर 10 दिन तक बाद भी तोड़ेंगे तो कुछ नहीं खराब होगा इसका। तो यार एक ऐसे बताओ, इसका लगाने का जो डिस्टेंस है वो क्या है, प्लांट टू प्लांट? लगाने का डिस्टेंस है 2 फुट। 2 फुट तो होना चाहिए, 2 फुट होना चाहिए, और लाइन टू लाइन, मतलब ड्रिप टू ड्रिप। हाँ, ड्रिप टू ड्रिप। और प्लांट टू प्लांट बताओ कितना है, ये जो प्लांट है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए लगभग? 2 फुट। 2 फुट तो होनी चाहिए। अच्छा, नील गाय वगैरह आती है रोज वगैरह, गाय वगैरह तो ये इनको खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये बताओ? नहीं 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 नहीं, उससे तो ये से मान लो नील गाय पशु इनको कुछ भी नहीं खाता है। कारण ये फूल है इसलिए नहीं खाते, या कुछ और कारण, वो तो देखो। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बताओ यार भैया, इसमें कोई रोग वगैरह थोड़ी आता है? रोग जैसे आता है, लेकिन जैसे तने का रोग है वही आता है, जो अपन नॉर्मल DAP वगैरह जो डालते हैं ना। अच्छा, इसमें अच्छा, वही खाद लगता है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं दिया, और बेस्ट मुनाफा दे रहा है हमें। और कोई स्प्रे वगैरह करते हो इसमें? स्प्रे वगैरह कुछ नहीं किया इसमें। मकड़ी का रोग भी आता है इसमें? बस एक वो रोग आता है वही आया। मकड़ी का क्या आता है इसमें? जाल बना लेती है ऊपर, एक जाल बना लेती है नीचे ही, वो जो फूल लगने से पहले ही देते हैं वो दवाई। अच्छा, पहले ही लगती है फूल देने के बाद में नहीं लगती? उसके बाद नहीं। भाई इन्होंने दिवाली के लिए भैया जो फूल तोड़ के रखे हो आप, उनका बताते हैं आपको भाई, ये क्या करेंगे, कैसे बेचेंगे उधर चल के भैया? ये कौन से महीने के अंदर उगानी चाहिए ज्यादा, मतलब इसका सीजन शुरू में? ये
जुलाई का महीना होता है। अच्छा अच्छा, उसमें इसकी पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार करो जुलाई में, पौध तैयार हो जाती है। अच्छा, जैसे जुलाई फिर अगस्त तक इसकी ये फसल तैयार हो जाती है, फिर उसमें अपन लगाते हैं, ड्रिप में लगाना स्टार्ट कर देते हैं अगस्त में, 15 अगस्त तक। अब जैसे ये दिवाली वाली फसल है, अब आप इसको फूलों को तोड़ लिए भाई, मैं तो जैसे 1 जुलाई वाली होगी, अब दिवाली के लिए जो आप फसल लगाए हो, तो उसमें ये बताओ ये माला जो आप बना रखे हो भाई, इसको क्या रेट में सेल करोगे, क्या करोगे मतलब इसका? देखो ये तो अपना मुनाफा हो गया। अच्छा अच्छा, और दे सकते हैं मतलब ये माला हो गई, तो इसमें क्या वजन होगा भैया? इसमें होगा लगभग 200 ग्राम तो होगा। तो मतलब ये आपको एक फायदा मिल गया भाई, फायदा हो गया, यानी कि ये 40 रुपए बेचेंगे तो 1 केजी के हिसाब से अपन 200 रुपए का हो गया। अच्छा, ये भाई साहब देखो दिवाली मतलब आप जो फसल उगाओ ना वो इस हिसाब से उगाओ कि दिवाली पे सेल हो सके, दिवाली पे सेल हो सके, या अपने शादी ब्याह का माहौल आता है उसमें सेल हो सके। अच्छा, अब जैसे शादियों का सीजन आ गया है तो इसलिए तो किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भाई। थैंक यू।